नमस्कार, मैं हूँ श्रीपति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। मुलायम सिंह यादव कब और कहाँ पहुँच जाएं ये कोई नहीं जानता। जी हाँ, बिना किसी को बताए मुलायम सिंह यादव पहुँच गए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने के लिए। मुलायम सिंह यादव अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने के लिए इटावा सफारी पार्क पहुंचे। सफारी पार्क में मुलायम सिंह यादव काफ़ी देर तक घूमे और अधिकारियों से कहा कि सफारी में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक लाने का प्रयास किया जाए। मुलायम सिंह यादव सफारी पार्क बनने के बाद पहली बार सफारी पहुंचे थे। सफारी पार्क मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, इसलिए उसको देखने के लिए और बिना किसी को सूचना दिए लॉयन सफारी का दीदार करने पहुँच गए। लॉयन सफारी के शुरू होने के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव पूरे पार्क में घूमे और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। मुलायम सिंह ने सफारी पार्क के सभी जीवों को देखा। उनको देखकर मुलायम सिंह यादव काफ़ी खुश नजर आए। सफारी पार्क में मुलायम सिंह यादव के साथ सिर्फ उनके सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिए, इसके अलावा और किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। साल 2003 से लेकर 2007 में मुलायम सिंह यादव ने इटावा सफारी पार्क को स्थापित करने की तैयारी के लिए सोचा था और उस पर काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन हुआ ये कि साल 2007 आते आते सरकार बन गई बसपा की और फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को डाल दिया गया एक ठंडे बस्ते में। लेकिन उसके बाद जब 2012 आया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का निश्चय लिया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और आज से ये सफारी पार्क दुनिया में लोकप्रिय बन चुका है और इटावा सफारी में 18 शेर श्रेणी का कुनबा है। मुलायम सिंह यादव के सफारी पार्क को लेकर उनकी फ़ोटो के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये बड़ी सोच बड़े काम का बड़ा अंजाम है। आज चंबल का बीहड़ शेरों से आबाद है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आदरणीय नेताजी ने इटावा में लॉयन सफारी का भ्रमण किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में निर्मित इटावा लॉयन सफारी पर्यटकों के लिए एक नायाब तोहफा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।